हाउ टू मेक यम्मी इंस्टेंट पास्ता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जल्दी से 15 मिनट में कैसे जल्दी से पास्ता बना ले और वो भी टेस्ट उसका एकदम लाजवाब और इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो अभी तो आप देख रहे हो कितना यम्मी लग रहा है ये पास्ता। ऐसा पास्ता आप भी बहुत ही कम समय में और एकदम स्वादिष्ट पास्ता आप बना लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम पास्ता लेंगे और उसे उबाल लेंगे। ये देखिए मैंने पास्ता उबाल लिया है, उबालने के लिए पहले ही रख दिया था। तो मेरा पास्ता उबल चुका है। अब हम पास्ता को नीचे उतार देंगे और कढ़ाई रखेंगे। ये गर्म हो गया है मेरी कढ़ाई, इसमें मैंने तेल डाल दिया थोड़ा सा। आप बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं डालना है। और फिर ये जीरा, इसमें जीरा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल डालेंगे तो ऑयली सा हो जाएगा। और ये प्याज और मिर्च, ये दोनों मैंने काट के रखा हुआ है। अब मैंने इसमें ये डाल दिया। अब आप देख रहे हो थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है ये। तो अब इसमें हल्दी डाल दी मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा अगर घर का मसाला हो आपके पास तो वो भी डाल दीजिएगा। और ये टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे अभी मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएँगे थोड़ी देर तक। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अभी हम इसको पहले चला के और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कीजिएगा। और अब चलाने के बाद, इस पर नमक ऐड करने के बाद हम इसको ढक लेंगे और ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा ले लें, बस 2-3 मिनट, बस टमाटर गलने के लिए हम इसको ढक देंगे और ढक के इसको 2 मिनट के लिए बस रखेंगे, 2 मिनट के लिए। अब आप देख रहे हो कि मेरे टमाटर ये जो है एकदम गल चुका है, एकदम उसमें स्मैश हो जा रहा है। टमाटर, प्याज, मिर्च सब स्मैश हो गया है। तो ऐसा ही होना चाहिए। और अब हम जो पास्ता मैंने उबाल के रखा हुआ है ये पास्ता, अब हम इसमें डालेंगे। और इसको डालने के बाद हम इसमें अच्छे से इसको अच्छे से मिला देंगे इसमें। अभी ये देखिए मैंने ऊपर से पास्ता डाला हुआ है तो थोड़ा वाइट वाइट सा लग रहा है। अभी जब इसको हम जब मिला, ये देखिए मैंने इसको मिला रही हूँ। और अभी जब हम इसको मिला लेंगे तो ये बहुत ही यम्मी सा पास्ता बन जाएगा। और हाँ, इसमें हम एक चीज़ अभी और ऐड कर सकते हैं, पास्ता मसाला, जो कि पास्ता मसाला अभी ऐड नहीं होगा। अभी इसको हम पहले बॉयल ऐसे मिला के थोड़ी देर के लिए ढकेंगे और उसके बाद फिर इसमें पास्ता मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने पास्ता मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखिए कितना यम्मी लग रहा है। और ये मैंने टोमेटो सॉस जो कि मैंने इसके ऊपर से इसमें पूरे में मिला दिया है, क्योंकि मेरे घर बहुत ज़्यादा किसी को मीठा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने पूरे में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा आता है। तो अब आप देखिए ये मेरा पास्ता बनके रेडी हो गया है। और अब मैंने इसमें थोड़े से ऑनियंस कट किए थे और मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से ऑनियन डाल रही हूँ। और अब मेरे पास नमकीन जो है, आपके पास भी जो भी नमकीन होगा, अब आप इसमें थोड़ा सा नमकीन ऐड कर लीजिएगा। और अब आप देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट, कितना यम्मी लग रहा है और जल्दी से बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।